हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आप लोग को जैसा कि याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हम लोग का काम था, यानी कि हम लोग जो माटी भर रहे थे कोचिंग साइड में, वो अधूरा रह गया था। तो मैं हूँ और आदर्श है और हम ही दोनों लोग हैं। तो देखते हैं, ज्यादा नहीं बचा है, बस थोड़ा सा ही बचा है, तो उसको हम लोग आज माटी को फेंक के अच्छे से उसको मतलब क्लियर कर देते हैं, जो काम है उसको कम्प्लीटली कर देते हैं। तो मैं ही हूँ, आदर्श है, तो चलते हैं, उस काम को हम लोग कंप्लीट करते हैं और फिर किसको फिर पूरा क्लियर कर देते हैं। क्योंकि हमारे चाचा बोल रहे थे बार बार कि मतलब कुछ कर नहीं रहे हो, घर पे बैठे हो, तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो सही बात है, खाली बैठने से क्या फायदा, तो कुछ तो करें ना। तो चलते हैं फिर, जो कोचिंग का है उसको पूरा एकदम बराबर कर देते हैं आज माटी फेंक के। ठीक है, ये चीजें हैं पीछे, यानी कि जो बेंच वेंच और भी चीजें हैं, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। और उसके बाद फिर इसको हटाने के बाद इस पे अच्छे से हम लोग माटी वटी से फेंक के फिर इसको रख देंगे। ठीक है, तो चलते हैं हटाने। फाइनली दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ से जो भी चीजें थी, यानी कि डेस्क था और बेंच वेंच थे, सब हटा लिए हैं। और यही जो चीज है इसको पूरा का पूरा भरना है। तो चलते हैं पीछे के साइड में आंगन में, और वहां से मिट्टी लेके यहाँ पे फेंकते हैं। तो दोस्तों, मैं और आदर्श ही हैं और कोई नहीं है, तो मैं आदर्श उठा रहा है और मैं जो है मिट्टी को वहां पे फेंकूंगा। तो चलते हैं और मिट्टी को अच्छे से फेंकते हैं और पूरा सेट कर देते हैं। आदर्श उठा रहा है मिट्टी, और मिट्टी उठाने के बाद मैं इसको ले जाऊंगा फेंकने के लिए। और चलते हैं, अपना जो भी काम है, अपना वर्क है, दिन भर का तो नहीं है, मतलब 1 घंटा या 2 घंटे के आसपास लगेगा, तो पूरा फेंक पाक के क्लियर करते हैं। अच्छे से उठा लिया ना? ठीक है गाइस, आज हम जा रहे हैं माटी माटी बेग मिट्टी बेगने, और यहाँ पर हमारे मिट्टी को बेगने जा रहे हैं। तो हमारे चाचा जो हैं कि खिसिया रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम लोग मिट्टी काम नहीं कर रहे हो, मिट्टी नहीं बेग रहे हो। और यहाँ तो हम लोग आज सोचे हैं, आज मेरे स्कूल का छुट्टी भी है, तो आज हम मिट्टी बेगेंगे, और मिट्टी बेग कर फिर और चलेंगे, फिर मिट्टी बेग कर नहा देने। और यहाँ पर मिट्टी बेगने उठा रहे थे अमन भैया, तो टूट गया वहाँ। और यहाँ पर आया नया गमला लाया गया है, वो टूट गया हरा वाला। तो और हम बच्ची, और यहाँ हमारे चाचा की लड़की है, तुम क्या ढोगी, ऐसे नहीं हुआ। और हम देखते हैं मिट्टी। वीडियो काट दिए वाला बोल का काट दें दूसरा। चलो ठीक है, हो गई नहीं तो दोस्तों यहाँ पे काम हो ही चुका है, बस थोड़ा और फेंकना है। तो यहाँ पे आदर्श बराबर कर रहा है, अच्छे से आदर्श बराबर कर दो। ठीक है, और कहीं माटी चाहिए होगा थोड़ा थोड़ा, तो अच्छे से कर देंगे। और इधर का सब हो चुका है, बस इतना जो है ये थोड़ा सा कंप्लीट करना है, इसके बाद जो काम है कंप्लीट हो जाएगा। इस मिट्टी को थोड़ा बराबर करना है अच्छे से, एकदम थकान सी हो चुकी है, इतना इतना ज्यादा माटी फेंकना था तो थक चुका हूँ। पर कोई नहीं, थकने से क्या होता है, अपना काम है तो करना ही पड़ेगा। तो पीछे जो है बस उतना थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसको फिर बराबर करके फिर हो जाएगा कम्प्लीटली काम, फिर एकदम आराम आराम ही आराम है। ठीक, माटी फेंकना था, हो गया कंप्लीट। और उधर उधर सही सही से करो, दबाओ उसको, सही से दबा दे, इधर 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 सब बाकी है, सब जैसे कर रहा था भाई वैसे दबा अच्छे से। हाँ, तो पूरा का पूरा एकदम हम लोगों ने माटी जो फेंकना था पूरा एकदम दोनों बराबर कर चुके हैं, दोनों को साइड में। और बहुत मेहनत लगी है, धूप भी बहुत तेज था। तो जो भी काम था, यानी कि जो माटी को एकदम अच्छे से भरना था, हम लोगों ने भर दिया। पीछे एकदम सेट वेट भी कर दिया अच्छे से, जो बेंच वेंच थे वहां पे, और सब सेटअप वेटअप कर दिया है। अब ये हो गया अच्छे से, इसके ऊपर से गोबर की जो पुताई होती है वो कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा एकदम फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, तो प्लीज कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।